फाइंड एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसको मॉड में दिया इसने, एंड y इक्वल्स टू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इन अगेन मॉड, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब देखिए दोनों कर्व्स को अगर हम बनाते हैं डायरेक्टली, तो मॉड में हमने फंक्शन में सीखा था इसमें मॉड लग रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी शिफ्टिंग है जीरो वन पे। अगर इसको हम देखें कर्व को, अगर मॉड हटा देते हैं पहले उस बेसिक फॉर्मेट में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो y प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसकी जो शिफ्टिंग है जीरो माइनस वन पे, इसकी शिफ्टिंग होगी जीरो माइनस वन पे, ये कर्व शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो दिस कर्व इज शिफ्टेड एट द जीरो माइनस वन, एक्स इज जीरो एंड जीरो माइनस वन, ठीक है। और जैसे ही इस पे मॉड लगेगा तो इसका वर्टेक्स उस पे आ जाएगा। तो देखिए अगर इस कर्व को हम ड्रॉ करें तो ये जीरो पॉइंट है और वन यहां पे आएगा, वी कैन से दिस इज द जीरो माइनस वन पॉइंट, और जीरो माइनस वन पॉइंट करके इसको आप बना सकते हैं इस तरह से, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इस पे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो ये पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, एंड दिस कैन बी द ग्राफ, राइट। इसका मैं फाइनल ग्राफ ही बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ये ग्राफ होगा। इसको हम हटा देते हैं और इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, दिस पॉइंट इज अ जीरो वन पॉइंट, राइट। नाउ सेकेंड इज रिक्वायर्ड, देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए, अगर यहाँ पे तुरंत आपको वैल्यू चाहिए इसकी कि इस पे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो प्लेस करेंगे, वाई जीरो प्लेस करेंगे, तो एज यू प्लेस द वाई इक्वल टू जीरो ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, सो दिस पॉइंट इज ए वन जीरो माइनस वन जीरो हो जाएगा, राइट। अब हम दूसरे कर्व की बात कर लें, सेकेंड कर्व जो आपको गिवन है, सेकेंड कर्व देखिए क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो कर्व कट करेगा इसकी शेप भी सेम होगी, लेकिन ये हो जाएगा y प्लस थ्री, तो जीरो पर थ्री जाएगा, दिस पॉइंट इज जीरो थ्री, और इस तरह से ये कर्व कट करेगा। नाउ द सेकेंड कर्व इज लाइक दिस, दिस इज द कर्व, सो फाइनली दिस इज द कर्व एंड दिस कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं अगर डायरेक्टली पॉजिटिव पार्ट लिया जाए यहाँ पे, देखिए इंटरसेक्शन जो पॉइंट निकालना होता है तो दोनों साइड जरूरी नहीं है, मैं पॉजिटिव साइड पे एंड पे वर्क कर लूंगा, और सिमेट्री है दोनों कर्व में, सिमेट्री है तो मैं उस एंड का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, ठीक है। सो दिस पॉइंट इसमें जैसे ही आपने वाई जीरो पुट किया एट द वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, नाउ कैन वी से दिस इज एक्स स्क्वायर इज थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा रूट थ्री कॉमा जीरो, दिस इज रूट थ्री कॉमा जीरो, और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो, सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा। अब दोनों कर्व्स में इस पॉइंट पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो पॉइंट अगर निकालना चाहेंगे हम, वो पॉइंट देखिए इस तरह से आएगा, दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, दोनों कर्व्स की वाई की वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं और हम करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू देखते हैं कि वो पॉइंट क्या आ रहा है, राइट। तो उनकी दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेट कर दें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि निकालना है दोनों का, तो हम इनको दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए इसमें मॉड लग रहा है, मॉड से फ्री करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, और इसको मैं दोनों को एक साइड ले लूँ तो माइनस लेके इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो,
ये फैक्टर कट जाएगा, अल्टीमेटली कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट भी हटा दीजिए। अच्छा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। तो देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। अच्छा वो पॉइंट निकालने के लिए इसमें एक काम करेंगे आप, कि जैसे ही एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू प्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू इसमें रख दीजिए, सो पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू इन, लेट्स से दिस इज द कर्व वन एंड दिस इज द कर्व सेकेंड, इन वन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी वन, तो वो दोनों में सेम होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो पॉइंट मिलेगा आपको वो आएगा, दिस इज रूट टू, देखिए रूट टू प्लस माइनस है तो रूट टू कॉमा वन और माइनस रूट टू कॉमा वन, ये पॉइंट होगा और दोनों सेम होंगे सिमेट्री से, ठीक है। इसके बाद में आगे लेते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो देखिए इसमें हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, रूट टू वन माइनस रूट टू वन, और पूरे दोनों कर्व सिमेट्रिकल है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए आप चाहे इस पे निकालें या इस पे निकालें, इन दो कर्व्स के इन पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, जैसे ये फर्स्ट कर्व है इस पे ये टेंजेंट लाइन बनेगी, और सेकेंड कर्व का ये पार्ट है इस पे टेंजेंट लाइन बनेगी, और उसके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो निकाला जाएगा, तो वो हम इस पॉइंट पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉप कर लें, एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर लें, तो रूट टू कॉमा जीरो है ये, और वन से बड़ी वैल्यू होती है, देखिए दिस इज वन, रूट टू आपका 1.414 होता है, और रूट थ्री पॉइंट ये वाला है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू होती है 1.732 के अराउंड। तो हम एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये कर्व कैसे डिफाइन होंगे। देखिए ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया यहाँ पे इक्वेट करके, राइट। अब पॉइंट यह है कि जो वन से बड़े में ग्रेटर देन वन, बिकॉज दिस वन जब यहाँ प्लेस होगा, ये वन, वन का स्क्वायर वन हुआ, वन माइनस वन जीरो बनाया, तो उससे बड़ी वैल्यू के लिए, वन से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव खुलेगा, तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, लाइक रूट टू रख देते हैं, रूट टू का स्क्वायर टू हुआ, टू माइनस वन पॉजिटिव टू बन रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव खुलेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अराउंड ये पॉजिटिव खुलेगा एट एट रूट टू कॉमा वन, इस पॉइंट पे जो कर्व होगा फर्स्ट वाला कर्व, दिस विल बी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई हमें उसको मॉड से फ्री करना है, मॉड से फ्री करने के बाद ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डेरिवेटिव करके फिर उसमें वैल्यू उसमें प्लेस कर सकते हैं उस पॉइंट की, जो कि हमें रूट टू कॉमा वन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा कर्व, ये फर्स्ट कर्व भी हो जाएगा, सेकेंड कर्व भी होगा, देखिए सेकेंड कर्व में जब रूट टू प्लेस करेंगे, रूट टू यहाँ पुट करेंगे, रूट टू का स्क्वायर टू बनेगा, टू माइनस थ्री, और रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो रही होगी, इसका मतलब यह है कि ये वाला मॉड जो है आपका नेगेटिव खुलेगा, तो जनरल में इसको नेगेटिव खोलेंगे, सो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट रूट टू कॉमा वन पे निकाल लेंगे, लेट से दिस इज द एम वन, तो ये वैल्यू बनाएगा टू एक्स, और एक्स की जगह मैं रूट टू लिख देता हूँ, दिस इज द टू रूट टू, और सेकेंड कर्व आपने डिफरेंशिएट किया, दिस इज द डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई, दिस इज माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स को सेम पॉइंट पे निकाला आपने, माइनस टू एक्स, और एक्स की जगह रूट टू रख देंगे, सो दिस इज माइनस टू रूट टू, राइट। नाउ सी द एंगल बिटवीन दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं फाइनली, टेन थीटा, tan theta equals to m2 minus m1, so this is the 2 root 2 m2 minus m1। भाई इसको पॉजिटिव करना है, चाहूँ तो मैं इसको पहला ले लूँ या दूसरा उसको ले लूँ, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द m1 माइनस m2 करना है, तो इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा 2 root 2, और m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस 2 root 2 इंटू 2 रूट टू,
तो देखिए ये वैल्यू बन रही है 4√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस, दिस इज 4 2 8, सो दिस इज द 4√2 बाय -7। लेकिन एक्यूट एंगल निकालना था तो इसमें हम मॉड लगाते हुए चलें शुरू से, और जो वैल्यू आएगी उस पर आप लगा देंगे माइनस साइन हट्स का हट जाएगा सॉरी, सो 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू 4√2 बाय 7। वी हैव टू फाइंड आउट द 10 थीटा पॉजिटिव, ठीक है, एंड देयर फॉर एंगल थीटा विल बी द 10 इनवर्स 4√2 बाय 7। तो इस तरह से ये आंसर हमें मिलेगा इसमें। इसके बाद में